प्रकार के धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल श्री शंभु दरबार को अब सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस सम्मेलन के छठवें दिवस में आप भजनांजलि का श्रवण करने के उपरांत हमारे बीच पधारे परम श्रद्धेय शोभा राम जी। जगन नियंता जगदाधार सर्वेश्वर नकलेश्वर भार भूतेश्वर भव भगवान श्री भवानी कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री सीताराम जी के युगल पादारविंद में नित्य कानमन करते हुए जिनके बड़े प्रसाद से यह रामकथा का प्रसाद मिल रहा है ऐसे पिता में पूज्य श्री ब्रह्मलीन भागवत प्रसाद जी मुदगल जिनकी जयंती पर हमको रामकथा का पावन प्रसाद तथा उनके वरदपुत्र पूज्यपाद श्री मुदगल जी महाराज जो हमारे यहाँ कथा के प्रेरणा स्रोत हैं पुरोधा हैं जिन्होंने 19 साल से ये पौधा लगाकर आज बहुत बड़ा विशाल ये वृक्ष बन गया है राम कथा का बड़ वृक्ष बन गया है जिनके तले हम और आप बैठ कर के नीचे राम कथा का अवगाहन करते हैं और प्रतिवर्ष प्रति संवत आज होए आनंद हम और आप सभी कथा सुनते हैं। बांदा की पावन बलधा से पधारे पूज्यपाद श्री परमादरणीय तिवारी जी और मेरे अनुज कानपुर से पधारे आज ही मानस मराल श्री आलोक जी मिश्र और वृंदावन धाम से पधारी हुई विजया श्री जी जिनका नाम कहा जाता है और भागश्री भी इन्हें कहा जाता है और मेरे अनु श्री संतोष जी रामणी मानस हंस बरेली और मेरे तमाम यहाँ पर बैठे हुए संगीत में साथ दे रहे मेरे सभी छोटे भाई श्री राम ठाकुर और मेरे सभी अनुज और सभी श्रोता महानुभाव मेरे पार्श्व में जो हमारी कथा में संचालन का साथ दे रहे श्री बगी साहब और सभी सभी श्रोता महानुभाव अर्चनिया वंदनिया माता शक्ति माता बहनों प्यारे बच्चों आप जानते हैं कथा की एक परंपरा हुआ करती है। जब तक कथा में कीर्तन गाए न जाएंगे जो लग रहे पाप वो मिटाए न जाएंगे। कथा के आदि में कथा के मध्य में कथा के अंत में कीर्तन हुआ करता है। जहाँ पर नित प्रति हो कथा कीर्तन जहाँ नित हो और जिनके घर कीर्तन नहीं तो कीर्तन तन तहाँ हो। जिनके यहाँ कीर्तन नहीं होता उनके घर में कीर्तन तन होता है कलह होती है भाई भाई में चाचा भतीजे में बाप बेटा में सास बहू में देवरानी जिठानी में नंद भौजाई में अरे आपसी में कलह मतभेद हुआ करते। इन कलह मतभेद को भुलाने के लिए राम कथा कही जाती है राम कथा सुनी जाती है इसलिए आप राम कथा में सभी लोग आकर के लाभ लेंगे सभी लोग मिलकर के आप बोलेंगे सभी लोग साथ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय
कथा श्रवण करने का फल यही है। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, हम परिवर्तित हो जाए, हृदय में हमारी में सुधार की कोई प्रक्रिया आ जाए, दिशा और दशा परिवर्तित हो जाए, इसी का नाम कथा है। हम संसार में आए, हमने क्या सीखा? हम यहाँ कुछ जानने के लिए आए। प्रतिवर्ष देखो भाई, भगवान की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा था हमारे यहाँ, पंपलेट से भी ये बात आई है, लेकिन ये उन्हीं का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, बाबा विश्वनाथ जी का जय शंभु की कृपा है, उन्होंने 2 दिन और इस कार्यक्रम को सुनना चाहा, अपनी कृपा की है। तो मतलब ये है हम यहाँ जानने के लिए कुछ आए हैं। हमने क्या जाना? हमने सब कुछ जाना पर एक बात नहीं जानी, जिसे हम जानने के लिए आए हैं, सभी लोग बैठे हैं, हमने क्या जाना? ध्यान सुनिए अब मेरी बात को, बातें बनाना जाना और घातें लगाना जाना, झूठ बोल जाना और कूटनीति जाना है, यंत्र मंत्र जाना, सर्वत्र विधि जाना, सबको मनाना जाना और रूठ जाना है, आसन लगाना जाना, शासन चलाना जाना, ये सबको सबको लुभाना जाना, एक कैसा जमाना है, इतना सब जाना पर स्नेही अनजाना रहा, तू उसे नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना है, तू उसे नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना है। हमें जिसके पास जाना है, यदि उसे जान जाते तो काम बन जाता। हम लोग यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। ये कथा इतने लोग कहेंगे, अभी इतने हमारे प्रवक्ता गण आए हैं, अपनी बात कहेंगे, जानने की बात, उसे जान जाओ, जान जाओ तो काम बन जाएगा। अच्छा, एक और बात, मेरी बात जहां तक जा रही है सभी लोग सुन रहे हैं, हम लोग जानने के लिए आए हैं। यहाँ पर मैं कुछ वृक्षों के नाम आपको दिखा रहा हूँ, बोले कीकर पाकर तार, कीकर माने होता है बबू, कीकर माने बबूल, पाकर जानते हैं आप लोग, कीकर पाकर ताड़, ताड़ का भी वृक्ष होता है, जसाफल, साफल भी होता है, जामन, आंवला, सेव, कदम, कचनार, पीपर, रत्ती, तून, तज। मैंने इन वृक्षों के नाम आपको गिना दिए, पर इनका अर्थ बोले कीकर पाकर तार। ये तो ऐसा लगता है शायद मैंने आपको वृक्ष गिनवा दिए, लेकिन आपको अर्थ बदलना होगा, तो बोले कीकर पाकर तार। आप ऐसा ना पढ़ के ऐसा पढ़ो, बोले कीकर पाकर तार। अभी मैं क्या पढ़ रहा था? कीकर पाकर तार। अब पढ़ रहा हूं, बोले कीकर पाकर तार। 5 दिन का कार्यक्रम तुम्हारे यहाँ 7 दिन का होगा, तो भगवान करतार की कृपा हुई कि नहीं? बोले की कृपा करतार, करतार ने हमारे ऊपर कृपा की है। बोले की कृपा करतार, जामन जो आपके मन में इच्छा थी, साफल आ मिला, वह फल तुमको मिल गया, ये सेव, कदम, कचनार। इसलिए सेव कदम, सेव माने भगवान शंभु, शंभु के कदमों को, पद्मों को, चरण को आप चूमो, और पीपर रत्ती तू न तई, पराई आशा का परित्याग करके भगवान श्री शंभू का ध्यान करेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो मैं कहा करता हूं, बोले क्योंकि भगवान श्री शंकर जी का दरबार ऐसा दरबार, सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दरबार बड़ा प्यारा दरबार है। आपको बात बताएं, भगवान श्री शंकर जी के पास में कुछ लोग पहुंचे महाराज, हमारे लिए भी आप कथा वही सुना दो जो आपने भगवती पार्वती जी के लिए सुनाई। अच्छा, जब जब भी कथा होती, कुछ बातें होती, कन्हैया भी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई है। अच्छा, यहाँ पर कन्हैया जब कथा सुनते, माँ यशोदा ने कथा सुनाई है, लेकिन कथा सुनाने में भगवान श्री शंकर जी पीछे नहीं, उन्होंने कथा सुनाई पर पात्र देख लेते हैं। तो आपको बात बता, भगवान शंकर जी क्या है? बोले विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रभुवन महिमा विदित है तुम्हारी, विश्वनाथ मम। भगवान श्री विश्वनाथ ऐसे जिनकी महिमा त्रिभुवन में व्याप्त है, भगवान श्री शंकर जी अपनी महिमा में अगम है, अपार है, उदर ही अपार है। आज भोलेनाथ ने भी कथा सुनाई, आज कन्हैया भी कथा सुनते हैं, कोई आप परेशान हैं?
जब कथा होने लगती है, छोटे कन्हैया है, माता यशोदा जी से कन्हैया ने कहा मेरी कथा सुना दो। तो यशोदा ने कहा अच्छा मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगी लेकिन तुमको हुंका देना पड़ेगा, हुंका। अब छोटे से कन्हैया को उन्होंने अपने गोद में ले लिया माँ यशोदा ने। अब कथा चल रही थी और जब वो कथा चल रही है बोले तुमको हुंका देना पड़ेगा, बोले बिल्कुल हुंका दूंगा, आप पढ़िएगा कथा में लिखा है रामो नाम बभू बहुम तदवला। कन्हैया से यशोदा जी ने कहा बेटा राम नाम का राजा हुआ है। कन्हैया बोले हूं रामो नाम बभू बहुम तदवला सीते तिपे त्वागतु। वह सीता अपने पिता की आज्ञा पालन करके, ससुर की आज्ञा पालन करके सीते पित्वागत हो। पर क्या हुआ कन्हैया बोले क्या हुआ माँ, बोले वाचा पंचवटी बने विहरता तस्या हरद रावण। और जब वो पंचवटी में पहुंच जाते हैं तो क्या हुआ वाचा पंचवटी बने विहरता तस्या हरद रावण। वहां पर रावण आया सीता का हरण करके ले गया। अच्छा सीता का हरण कब हुआ, सीता का हरण कर कब हुआ, सीता जी का हरण करके ध्यान दीजिए मानस के प्रेमियों। हनुमान नाटक में तो बहुत बड़ा विचित्र गजब का प्रश्न आता है कि माँ जानकी जी का हरण कब हुआ, बोले अर्ध रात्रि दिनस्यार्धे अर्ध चंद्रे अर्ध भास्करे रावणो अर्ता सीता कृष्ण पक्षे सीता अष्टमी। अर्ध रात्रि आधी रात थी आधा दिन था, अर्ध रात्रि दिनस्यार्धे आधी रात थी आधा दिन था, अर्ध चंद्रे अर्ध भास्करे आधा चंद्रमा था आधा सूर्य था रावणो अर्ता सीता। रावण ने जानकी जी का अपहरण किया तो क्या हुआ, बोले कृष्ण पक्षे सीता अष्टमी, माने कृष्ण पक्ष की सप्तमी भी थी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी थी। ऐसी स्थिति में भगवती जानकी जी का हरण हुआ। लेकिन ये हरण कहाँ हुआ है आपको बात बताएं, कल भी आप सुने थे पूज्य पाशरी तिवारी जी से, जैसे कोई चौराहे पर कोई मिल जाता है, बड़ा अच्छा प्यारा उदाहरण आपने दिया था। इसी प्रकार से बताऊं जानकी जी का हरण कब नहीं हुआ, मतलब ये है कब हूं योग वियोग न जाके, जिनका योग वियोग है ही नहीं वो तो माने एकदम साथ रहा करते हैं, हरदम हर पल साथ रहा करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हरण हुआ क्यों, क्योंकि जब जब मायाकृत वेश हुआ है तब ऐसा हो जाता है। आप जानते हैं सोने का कभी मृग नहीं हो सकता, सोने का मृग नहीं हो सकता, लेकिन कंचन की काया बनाए लई माया मैं धाई महाराज मृगराज के बधन में। अच्छा सोने का मृग होता है क्या, नहीं होता ना, इसके बाद भी सोने का मृग हो गया और जानकी जी का मन उस पर चला गया। यही मृग कर अति सुंदर छाला, अरे हम एक काम करो इसका मैंने हमको चर्म ले आओ, सत्य संध प्रभु बध कर एही आनव चरम कहत बैदे, आनव चर्म कहत बैदे, बैदे ने कहा कि इसका चर्म ले आओ, कि भाई मृग के चर्म को क्या करेंगे। उन्होंने कहा बात यह है इसका चर्म ही कपट का तो है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा निष्कपट हो जाए इसलिए मैं इसके चर्म को चाहती हूँ, आनव चर्म कहत बैदे। अच्छा लेकिन दो मृग है, ध्यान से सुना आप लोग कथा को। रावण ने कहा मेरा मृग बड़ा कलाकार है, रावण ने कहा मेरा मृग बड़ा कलाकार है, माया की माया में बड़ा चतुर है। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा मृग भी बड़ा कथाकार है, एक मृग तेरे पास है वो माया का है, कपट का है, झूठ का है, छल और कपट में अंतर होता है, कपट और छल में अंतर होता है, छल होता है दूर से, कपट होता है पास से। और मारीच ने दोनों विधाओं का परिलक्षण हमारे समाज को दिया, कपट बन के पास में आ गया और इसमें छल करने के लिए दूर चला गया, ये प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में। अच्छा मैं आपको बात बताऊं तो भगवान श्री राम जी का मेरा भी एक मृग है, लेकिन तेरा मृग है कनक का कपट का, मेरा भी एक मृग है और वो तेरे मृग से कम नहीं है, साका ते अति मन बड़ो साई और साका ते साका पर जाई, मेरा मृग है ये कथाकार श्री हनुमान जी महाराज, ये साखा मृग है। तो मैं आपको निवेदन यूं कर रहा हूं
कि कंचन की काया बनाए लई माया मैं धाई महाराज मृगराज के बदन में माया की आवाज सौमित्र हो के कान पड़ी। अच्छा जब ये आवाज सुनाई दी तो राम जी को नहीं सुनाई पड़ी, ये लक्ष्मण को ही क्यों सुनाई पड़ी? क्योंकि वहां पर भी मर्म चल रहा था, कपट चल रहा था। माया की आवाज सौमित्र हो के कान पड़ी और माया को मुनीस बन आयो बाही बन में। और माया का मुनीस माने रावण भी साधु सन्यासी बन के आ गया। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, शास्त्री जी जानकी जी का हरण किसने किया? रावण ने किया क्या? मैंने कहा नहीं, रावण ने तो हरण किया ही नहीं है। यानी जब भी जिस युग में हरण हुआ है, भगवती वैदेही भगवान श्री राम की प्राणवल्लभा श्री जनकात्मजा का वैदेही का हरण हुआ है, तो मैं यूं कहूंगा सन्यासी ने ही हरण किया है। यानी रावण तो आ नहीं सकता था, वेदवती सीता को स्पर्श नहीं कर पाया था, एक अप्सरा ने साफ दे दिया था कि तुम जिसका स्पर्श करोगे तुम जल जाओगे गल जाओगे, स्पर्श नहीं करता था। वहां की धरती को मिट्टी को उखाड़ करके ले गया है। क्रोध बंद तब रावण लीन से रथ बैठा है, चला गगन पथ आतरो भय रथ हांक न जाए। रावण चलता है, मैं यूं कहा करता हूँ रावण का अभिप्राय ये है हमारे आपके बीच में जमाने में, राम यति जो सबके रुला देता उसका नाम है रावण। रुद्र का अभिप्राय ये होता है जो रोते हुए व्यक्तियों पर द्रवित हो जाता उन्हें हम रुद्र कहते हैं। जो रोते हुए व्यक्तियों पर जो द्रवित हो जाता है उसे हम रुद्र कहते हैं। तो हम यूं कह रहे थे भगवान श्री राम माया की आवाज सौमित्र हो के कान पड़ी, माया को मुनीस बन आयो बाई बन में। तो आज माया के रथ पर बिठा के चपल चाल चलो, माया के रथ पर बिठा के चपल चाल चलो, और माया की किशोरी बंधी माया के वचन में। माया के रथ पर बिठा के चपल चाल चलो, माया के रथ पर बिठा के चपल चाल चलो, और माया की किशोरी बंधी माया के वचन में। माया की किशोरी बंधी माया के वचन में। तो मैं आपको निवेदन यूं कर रहा था क्यों रहा था? मतलब आप जानते हैं कि माया जहां पर है, माया में सब नर फंसे, माया मकरी जार, माया पति के भजन बिन सकल विश्व बेकार। हमारे बीच में वृंदावन धाम से पधारी हुई परमादरणीय श्री जी साध्वी, सारे देश में इनकी ख्याति है, ख्याति विरुद्ध प्रवक्त्री हैं आप, साधिकार मानस पर आपका प्रवचन होता है, हमारी आपके बीच में है। कुछ समय बाद अभी आप इनका संभाषण होगा, आप हम और आप सब परिश्रमण करेंगे। आइए मैं अपनी बात आपको अल्प समय में अब कहना चाहूंगा। भगवान श्री राम की कथा से हम लोग जो लाभान्वित होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो निश्चित है जीव को धनता आती है, प्रसन्नता आती है। तो एक पहले इनके स्वागत में पंक्ति पढ़ूं और अपनी बात को पूरी करूं, फिर श्री अखिलेश भैया अपनी बात कहेंगे। पावन करण अगमोचन चरित चार, पावन करण अगमोचन चरित चार, चंद्र के समान सारे जग को सुखदाई है, भासमान स्व प्रकाश आसमान पूर रहो, या को यश गान की सुंदर छवि छाई है, लालसा लगी है रघुनाथ जी के गाथा की, विविध मनीषियों ने आज ये पाई है, भाग भाग आवे सनेही सारा है भाग, कथा सुनाने की श्री जी आई है, कथा सुनाने को भाग श्री आई है। ये बड़े भाग के श्री जी का हो, भाग श्री का हो, ये हमारे बीच में आज विद्यमान है। तो मैं आपके लिए दो पंक्तियां और कहूं, कोई कह शिव शंकर, कोई कहे बभोला, कोई कहे
तो कहूँ शिव शंकर है डमरू बाला, मैं तो कहूँ शिव शंकर है डमरू बाला, कोई कहे बम भोला, कोई कहे बम भोला, कोई पाला, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ शिव शंकर है भगवान। हमारे आपके बीच में परमादरणीय भक्तिमती साधु श्री जी मंचासी में, और आप देखिएगा रस परिवर्तन रस परिवर्धित आप लोगों के बीच में सभा में हैं। मैं बड़े सादर स्नेह श्रद्धा के साथ सम्मान पूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, और भाई श्री अखिलेश जी हमारे वकील साहब कुछ नामों का जयघोष करेंगे, और जिन आमंत्रण पर माला माल्यार्पण के हेतु नाम लेंगे मैं उनके लिए। इस प्रकार के धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल श्री शंभू दरबार को अवश्य सब्सक्राइब करें।